एक प्रश्न आया है, गुरु मैया सफलता कैसे प्राप्त करें? सफलता कैसे प्राप्त करें? पूरी दुनिया सफलता के पीछे भाग रही है। जरा हट के बातें करूंगी मैं आज आपको। मेरी दृष्टि में आप बहुत बड़े धनवान हो तो सफल हो, सफल मनुष्य हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। आप बहुत बड़े नेता हो तो आप सफल हो, ये मैं नहीं कहूंगी। आप बहुत बड़ी पोस्ट पर हो तो सफल हो, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर आप विश्वसनीय हो, लोग आप पर भरोसा करते हो, आप सहयोगपूर्ण हो, आप विश्व बंधुत्व में मानते हो, वसुधैव कुटुंबम कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी मेरे मित्र है, मेरा कुटुंब है, मेरा परिवार है, ऐसी उदार भावनाओं से आप भरे हो, आपके परिवार को आपके प्रति रिस्पेक्ट हो, पैसे भले आपकी जेब में कम हो लेकिन आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपका परिवार आपसे खुश हो, आप उसको प्यार से सेटिस्फाई कर सकते हो और लोग आपसे खुश है, तो मैं कहती हूँ कि आप सफल इंसान हो। ये मेरी व्याख्या है। सफलता को हमेशा धन के साथ जोड़ना या पद के साथ जोड़ना गलती है और समाज आज सबसे बड़ी गलती यही कर रहा है। सफलता को जोड़ते पैसों के साथ या जोड़ देते हैं कोई पद और प्रतिष्ठा के साथ। धन जरूरी है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसे की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पद और प्रतिष्ठा नहीं मिले आपको। अच्छी बात है, पद मिल जाता है तो प्लस वन हो गया, प्रतिष्ठा मिल गई प्लस वन हो गया। लेकिन बेसिक जो गुण होना चाहिए मनुष्यता का, और मनुष्य के बेसिक गुण आप में नहीं है, और आपने कितने भी पैसे पा ली या प्रतिष्ठा पा ली और दुनिया की नजरों में सफल हो, लेकिन वो सत्य की नजर में सफल नहीं हो। ये मेरी सीधी सीधी साफ साफ एक फकीर की समझ है। हो सकता है फकीर की समझ आपके काम की नहीं हो, लेकिन सत्य तो सत्य है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्तर की कि सफलता कैसे प्राप्त करें। तो मैं कहूंगी कि मान लो कि अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप अभी छोटे हो, करियर बना रहे हो, अभी अभी न्यू कमर कॉलेज से बाहर आए हो आप, और आप सफल होने का सोच रहे हो। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। बंदा खुद की मदद नहीं करता तो परमात्मा भी उसकी मदद नहीं करता। तो सफल होने के लिए सबसे पहले मैं कहूंगी सखत पुरुषार्थ, सखत पुरुषार्थ। थकान क्या है ये पता भी नहीं होना चाहिए। जब आप काम पर लगो तब सखत पुरुषार्थ, और युवानी में ही कर पाओगे, बुढ़ापे में तो हो नहीं पाएगा। तो सखत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ अगर आप करेंगे तो सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। दूसरी बात, प्रामाणिकता। अगर आप प्रामाणिक होंगे तो जिस फील्ड में हैं उस फील्ड का हर बंदा दिल से आपके पक्ष में होगा कि बंदा मेहनती भी है और प्रामाणिक भी है। तो ये प्रामाणिकता सफलता को आपके निकट ले आएगी। तीसरी बात है अच्छी रिलेशनशिप। जहाँ भी रिश्ते बनाओ आप, तो स्वार्थ से नहीं बनाओ, दिल से बनाओ। रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रही होगी तो पता नहीं कौन सा संबंध कहाँ काम आ जाए। बरसों पहले शराबी पिक्चर आई थी एक अमिताभ बच्चन की, और उसमें ये सब आता है आधे पिक्चर के बाद कि उसने जहाँ जहाँ संबंध बनाए थे वह सब उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। जहाँ जहाँ उसने रिश्ते बनाए थे दिल से, वो सब उसकी मदद के लिए वन बाय वन आ जाते हैं और हीरो सक्सेस होता है। ये तो एक साधारण बात की मैंने, लेकिन हमारे जीवन में यही ही तो है ना कि आखिर तो संबंध ही काम आ जाते हैं। और मैं तो कहती हूँ जहाँ पैसे काम नहीं आता है वहाँ अच्छे रिश्ते काम लगते हैं। तो रिलेशनशिप। चौथा, कमिटमेंट। टिप्स दे रही हूँ मैं चौथा, कि कमिटमेंट निभाओ। अगर आपको सफल होना है तो आपने 10 बजे का टाइम दिया हो किसी को, तो 10 बजकर 10 में 5 मिनट कम हो उसके पहले आपके कदमों की आवाज़ आनी चाहिए। जहाँ बैठना है, जहाँ मीटिंग है वहाँ 10 में 5 मिनट बाकी हो तब से, 10 के ऊपर 5 नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि आप अगर समय अपना खराब करेंगे और दूसरों का भी खराब करेंगे तो आपकी कंपनी लोग नहीं चाहेंगे। एक बार दो बार फिर आपको पहचान लेंगे कि लबाड़ है समय का, टाइम की उसको टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। फर्स्ट आई किल टाइम देन टाइम किल मी, अंग्रेजी में कहा है कि पहले मैंने समय का खून किया फिर समय ने मुझे मार डाला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार कहती हूँ, पुरुषार्थ, सखत पुरुषार्थ, दूसरा प्रामाणिकता, तीसरा रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करना, चौथा है कमिटमेंट, इसके बाद स्वयं की कमजोरियों को पहचानो और कोई कमजोरी है तो उसको दूर करो तो सफलता की ओर आप जाएंगे। इसके आगे है उदारता, बहुत उदार होना चाहिए दिल से, आप दूसरे को क्षमा कर पाओ तो इससे क्या होगा कि लोग आपको धीरे धीरे चाहेंगे, लोग समझेंगे कि ये पूर्वग्रह से पीड़ित नहीं है, ग्रजिस नहीं है उसके मन में, उदार बंदा है। तो नेचुरली आपका ग्रुप बढ़ेगा, लोग आपकी कंपनी चाहेंगे। और नेक्स्ट लास्ट, हेल्दी कंपटीशन। कंपटीशन तो ज़रूरी है आज के युग में, जहाँ आप खड़े हो वहाँ की बात है, हम फकीरों की बात नहीं है। आप जहाँ खड़े हो वहाँ कंपटीशन कंपलसरी हो गई है, लेकिन मैं कहती हूँ कि समझपूर्वक कंपटीशन होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। आँख मूंद कर अंधी कंपटीशन करो इसका भी कोई मतलब नहीं। एक रनर दौड़ रहा था, एक चोर भी दौड़ रहा था, तो चोर को लगा कि वो मेरे पीछे आ रहा है, चोर को पता नहीं था कि वो रनर है, तो रनर इतना दौड़ा, चोर तो स्वाभाविक एक पुलिस को भी पीछे रख देती है, तो चोर दौड़ रहा था, खूब भागने लगा रनर को देखकर, तो रनर इतना दौड़ा कि चोर को पीछे रख दिया और आगे जाने लगा, लेकिन रनर को पता नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। तो इस स्थिति है मनुष्य की, दौड़ता है लेकिन उसको पता होता नहीं है। तो पहली बात तो आप किससे कंपटीशन कर रहे हैं, फालतू में तो कंपटीशन नहीं कर रहे। ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटर है ही नहीं आपका और आपने मान लिया हो कि वो आपका कॉम्पिटिटर है, तो हेल्दी कंपटीशन और क्षमा भाव। और फिर भी अंत में तो मैं इतना ही कहूँगी कि ईश्वर ने जीवन दिया है, खुश होने के लिए दिया है, प्रसन्न होने के लिए दिया है, आनंदित होने के लिए हमको दिया है। आपकी दौड़ इतनी अंधी और इतनी खतरनाक नहीं होनी चाहिए कि जीवन के सारे आनंद हाथ में से छिन जाए और फिर भी आप मानो कि हाँ मैं पहुंचना था वहाँ पहुंच गया, ये मेरी सफलता। लेकिन वो सफलता का कोई विशेष आनंद ना रहे और एक भ्रम बन जाए जीवन, ऐसा ना हो, इसलिए सजग रहना। माँ हरेश्वरी, धन्यवाद।